अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था दो लोगों के दरमियान में इन तुर्किश, और अपना चैप्टर वन स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तीन या चार क्वेश्चंस थे। फिर आगे हमने नोट्स उसके देखे कि कौन कौन से वर्ड किस जगह पर यूज़ होने हैं। अब आज हम बात करेंगे ग्रामर की, लैंग्वेज पॉइंट्स दैट आर यूज्ड इन तुर्किश। ठीक है, ग्रामर है ये एक किस्म की, जिस तरह हम आम रूटीन में अपनी डेली कन्वर्सेशन में वर्ड्स यूज़ करते हैं, ग्रीटिंग्स का, फेयरवेल का, या फिर किसी से बात करनी हो तो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो पहला वर्ड है गुनाहितिन। ठीक है, ये गुनाहितिन वर्ड जो है ये यूज़ होता है गुड मॉर्निंग के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगला है ई आक शाम लार। ई मीन्स गुड। आक शाम से ही पता चल रहा है, शाम से। आक शाम मीन्स इवनिंग, ये इवनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लार इसके साथ अटैच हुआ है क्योंकि ये लेट आफ्टरनून ऑनवर्ड्स हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है? गुड इवनिंग। ठीक है, पहला क्या है? गुनाहितिन। अगला है ई आक शाम लार। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ मेरहबा। ठीक है, हेलो। फिर आगे है सलाम। अब दो तरह के हेलो होते हैं, एक होता है हेलो, इसे बोलते हैं मेरहबा। जिस तरह हमने किसी भी सुना होगा स्टार्टिंग में मेरहबा, और दूसरा वर्ड होता है सलाम, किसी को सलाम करने के लिए हाय। एक होता है हाय और एक होता है हेलो। सलाम हाय और मेरहबा हेलो। आगे वो क्या कहता है? द ईजीएस्ट ऑफ दोज टू लर्न इन मेरहबा विच यू कैन यूज़ एट एनी टाइम ऑफ डे। हम पूरे दिन में कभी भी ये वर्ड मेरहबा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सलाम जो है वो सिर्फ एक खास प्रोमिनेंट प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है वर्ड। ठीक है, अब आगे है ई गुन लहर। मैंने पिछली वीडियो में जिस तरह बताया था कि यू के ऊपर जो दो डॉट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डीप फॉर्म में, गुन लहर इसका मतलब जाता है गुड डे। ई आक शाम लार गुड इवनिंग, जिसने ये ऊपर पढ़ा था ई आक शाम लार। ई गैजे लहर मीन्स नाइट, और ई गैजे लहर गुड नाइट ई गैजे लहर। अगला है होश चा कलन मीन्स बाय होश चा कलन HOSCHA KLIN वो आए जिसके ऊपर डॉट नहीं होता, वो ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या है? होश चा कलन मीन्स बाय। द ईजीएस्ट एंड द सेफ्टेस्ट ऑफ दिस इज होश चा कलन विच यू कैन यूज़ एट एनी टाइम। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और सेफ्टेस्ट वर्ड है ये होश चा कलन। ठीक है, अब है सिंगल, ये थी ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स। अब यहाँ पर बात होगी प्लूरल्स की, जैसे होते हैं ना हमारी इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर्स होते हैं प्लूरल्स होते हैं, इसी तरीके से तुर्किश में भी सिंगुलर्स और प्लूरल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जेंडर फॉर्म नहीं होती। जेंडर फॉर्म में हमेशा जिस तरह होता है ही शीट होते हैं, ही लड़के के लिए, ही और शी लड़की के लिए, लेकिन इन तुर्किश जेंडर के लिए सिर्फ वर्ड ओ का यूज़ किया जाता है हर जगह पर। ठीक है, अब प्लूरल्स क्या होते हैं? चोउल ये कहते हैं प्लूरल्स, और सिंगुलर क्या होते हैं? थैकिल। आगे है मेकिंग देम, वर्ड्स विच नेम थिंग आइडियाज ऑब्जेक्ट्स पीपल और प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन। इंग्लिश में मेक नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग एन ओन द एंड। जिस तरह गुन लहर सिंगुलर है, ये प्लूरल है, गुन लहर। फिर आक शाम लार गैजे लहर टेलीविजन मीन्स टीवी, और टेलीविजन लार
यानी कि बहुत सारे टीवी। हाउ आगे उनने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को क्या कहते हैं, सोरू, SORU सोरू। ये क्या दिया हुआ है कि हाउ डू यू डिसाइड वेदर टू ऐड लेर और लार टू आवर वर्ड, कि हम किसी भी वर्ड के एंड पे लेर, और जिस हमने ग्यून के एंड पे लेर यूज़ किया था और अक्षम के एंड पे लार यूज़ किया था, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो अब वो बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी राइम्स है जो लास्ट वोवल में यूज़ की जाती है। इस तरह इंग्लिश में होता है ना AEIOU, AEIOU, इसके होते हैं लेर और लार, ठीक है। ये भी हो गया जैसे IEOU, AIOU, ये सारे क्या हैं, लेर और लार है। दिस इज़ अ वन ऑफ द रूल ऑफ द वोवल हार्मनी, द लेर एंडिंग इज एन ई टाइप। अब LER, ई से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ई टाइप वोवल हार्मनी है, ठीक है, ई टाइप वोवल हार्मनी है। जबकि LAR, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए टाइप वोवल हार्मनी है, ए टाइप। सो अब है नेक्स्ट स्टेप, अब हाउ टू यूज दैम। पहला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब तुर्किश में ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब हमेशा एंड पे यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब दरमियान होती है, तो ये ऑपोजिट है इसके, ये इसका डिफरेंस है इंग्लिश और तुर्किश में। समटाइम में प्लूरल फॉर्म इंग्लिश यूज सिंगुलर फॉर्म, तुर्किश में क्या होता है ज़्यादातर प्लूरल वर्ड्स को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ग्यून ई ग्यून ला, शांस ई शांस ला, शांस शांस लक के लिए यूज़ होता है, और शांस लार अगर मैं इसके एंड पे LAR लगा दूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लूरल फॉर्म को। इन अदर टाइम्स तुर्किश यूज़ अ सिंगुलर फॉर्म वर्ड, इंग्लिश यूज़ अ प्लूरल, और समटाइम ऐसा होता है कि इंग्लिश सिंगुलर में चल जाती है प्लूरल में और तुर्किश सिंगुलर में। दिस अकर्स व्हेन देयर इज़ अ नंबर बिफोर द नाउन, फॉर एग्जाम्पल इकी ग्यून, इकी मीन्स मैंने पीछे भी बताया था इकी टू को कहते हैं और ग्यून डे को कहते हैं, तो इकी ग्यून टू डेज। उच बिलेत, उच ये भी काउंटिंग का वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्री, उच थ्री, उच थ्री, और बिलेत टिकट, बिलेत टिकट। यूज़ ग्राम, यूज़ हंड्रेड एंड ग्राम ग्राम। आगे है उसके क्वेश्चन है माँ मी मू मू, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, और ये है शो करते हैं कि हम एक क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक, क्योंकि इन इंग्लिश हमें स्टार्ट में व्हाट व्हेन व्हाई होम इनका यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इन तुर्किश हमें एंड के ऊपर किसी भी वर्ड के एंड के ऊपर एंड पे हमने माँ मी मू और मू ये चार वर्ड्स यूज़ करने होते, तो ये हमारा एक सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यहाँ पर उसने बताई हैं एग्जांपल्स बताई हैं इसको चियाले में, इज इट स्कॉटिश। अब स्कॉटिश एक होता है स्कॉटिश, ये है इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसको अगर तुर्किश में करते हो इसको चयाल म, अभी जो म है ये रिप्रेजेंट करिए क्वेश्चन है, और इसको चयाला ये क्या है स्कॉटिश। आगे है पेरिस म, इज इट अ पेरिस। इस्तांबुल मुँह, ये इस्तांबुल है। तुर्क मुँह, क्या ये तुर्क है। फिर और एग्जांपल देनी है IIOU और यू की फॉर्म में रोमा म रोम, सिर्फ यानी कि एक सिंगल वर्ड से ही ना एक क्वेश्चन बन जाता है। रोमा म बैन मी मी टेलीविजन मु टेलीविज़न और शो फॉर मु। अब शो फॉर SOFOR, ये जो ओ होता है ना ये डीपली प्रेजेंट करता है, शो फॉर म और म एज अ क्वेश्चन, शो फॉर मू ड्राइवर, शो फॉर मू ये क्या होता है ड्राइवर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।